नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश प्रेम को बढ़ावा देने में हिंदी सिनेमा का अहम योगदान रहा है। 1947 से पहले के दौर में जब देश आज़ादी की लड़ाई में व्यस्त था, उस दौर में भी भारतीय सिनेमा अंगड़ाई ले रहा था। उस वक्त हिंदी फिल्में लोगों को इस अहम संघर्ष में बलिदान देने के लिए प्रेरित कर रही थी। हिंदी फिल्मों में देश प्रेम की शुरुआत संभवतः 1940 में आई फिल्म बंधन से हुई और तब से किस्मत, शहीद, उपकार, हकीकत, सात हिंदुस्तानी, आनंद मठ, रानी ऑफ झांसी जैसी कई शानदार फिल्में आ चुकी हैं। इस दौरान लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने कई ऐसे गीत गाए जो आज तक लोगों की जुबान पर हैं। विशेष में आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा में देशभक्ति गीतों की। हम आपको दिखाएंगे 1940 से शुरू हुआ देशभक्ति गीतों का सफ़र, साथ ही आपको बताएंगे कि इस दौरान किन गीत और गीतकारों ने रचा इतिहास। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। देशभक्ति हमेशा से ही हिंदी सिनेमा का पसंदीदा विषय रहा है। इसकी बड़ी वजह जनमानस में इन फिल्मों की मकबूलियत है। देशभक्ति पर आधारित फिल्में अक्सर हिट रहीं। बॉलीवुड ने इसके मद्देनज़र न सिर्फ देशभक्ति फिल्में बनाई बल्कि एक से एक शानदार हिंदी गीत पेश किए। ये सफ़र आज़ादी से पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है। हिंदी फिल्मों में देशभक्ति गीतों की शुरुआत 1940 के दशक से मानी जाती है। इस साल बॉम्बे टॉकीज की फिल्म बंधन आई। इस फिल्म में कवि प्रदीप का लिखा गीत चल चल रे नौजवान काफी मशहूर हुआ। इसके बाद तो हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक शानदार देशभक्ति गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत आई। इस फिल्म के गीत लिखे प्रदीप ने, जबकि संगीत दिया अनिल विश्वास ने। इस फिल्म में गीत था आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। इस गीत को लोगों ने हाथों हाथ लिया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। 1947 में देश आजाद हुआ। आने वाले कुछ सालों में नया भारत बनाने की चाह और आजादी की जंग फिल्मकारों के पसंदीदा विषय रहे। इस बीच 1952 में आई फिल्म आनंद मठ ने सिल्वर स्क्रीन पर काफी धूम मचाई। इसका गीत वंदे मातरम आज भी सुनने वालों पर जादू सा कर देता है। इसके बाद 1954 में एक फिल्म आई जागृति। निर्देशक सत्येन बोस की इस फिल्म में कवि प्रदीप के गीतों को संगीत दिया हेमंत कुमार ने और आवाज थी मोहम्मद रफी की। इस फिल्म के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जैसे गीतों ने लोगों को मोह लिया। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसके बाद आई फिल्म नया दौर। 1950 में रिलीज हुई बीआर चोपड़ा की इस फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर ने। इस फिल्म के मेरे देश की धरती और ये देश है वीर जवानों का जैसे गीत लोगों के बीच काफी मकबूल हुए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। 1960 में प्रदर्शित हुई जिस देश में गंगा बहती है के टाइटल सॉन्ग को भी लोगों ने खूब सराहा। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
1961 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर फिल्मकार हेमंत गुप्ता ने काबुलीवाला फिल्म बनाई। इस फिल्म में मन्ना डे ने प्रेम धवन का गीत ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन गाया। में ही प्रेम धवन की एक और सुपरहिट फिल्म हम हिंदुस्तानी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का गीत छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, बदलाव की आवाज बन गया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। 1962 में आई फिल्म सन ऑफ इंडिया का गीत नन्ना मुन्ना राही हूँ बच्चे बच्चे की जुबान पर था। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। 1965 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफी की आवाज में कैफी आजमी का लिखा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों आज भी लोगों को भाव विभोर कर देता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 1965 में प्रदर्शित राम मुखर्जी की लीडर का गीत अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं भी काफी हिट रहा। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं सर झुका सकते नहीं। 1965 में ही आई प्रेम धवन की फिल्म शहीद। इस फिल्म के ए वतन और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीतों ने काफी धूम मचाई। अपनी जान पे जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे आज उसी को पहन के निकला आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला। 1967 में आई मनोज कुमार की उपकार। इस फिल्म में महेंद्र कपूर का गाया गीत मेरे देश की धरती सोना उगले आज भी लोगों का पसंदीदा गीत है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। इसी दौर में लता मंगेशकर का गाया गीत ए मेरे वतन के लोगों ने भी लोगों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मधुबनी चित्रकारी मिथिला की लोक कला और बिहार की पहचान प्रकृति और पौराणिक गाथाओं से सराबोर चटकीले और मटियाले रंग बनाए चित्रों को खूबसूरत देवी देवता पशु पक्षी फूल और पत्तियां दो तरह की होती हैं तस्वीरें भित्ति चित्र और अल्पना। पहले कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों पर होती थी चित्रकारी अब कागज कपड़े और कैनवास पर उतरी ये शानदार कलाकारी। बाल के पीछे हम मैं नहीं जाता था बाल मेरे पास खुद आता था। चांदनी रात में खेलते खेलते उनका नाम भी ध्यान सिंह से ध्यानचंद होता चला गया।
ध्यानचंद जी से स्टिक से जो चीज निकली है वो हॉकी के हिस्ट्री में मैजिक। जो देश के सम्मान और इज्जत की खातिर हिटलर से भी कह सकता था मैं ठेठ हिंदुस्तानी हूं, चांदी के सिक्कों की खातिर वतन नहीं छोड़ूंगा। विरासत में इस बार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हर गोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका उन्होंने किया। जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मार्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। उन दिनों देशभक्ति पर बनी फिल्में जबरदस्त सफल हो रही थीं। चीन और पाकिस्तान से युद्ध के बाद पूरे देश में देशभक्ति उबाल मार रही थी। 60 का दशक तो बेहद सफल फिल्मों का दौर रहा। 70 और 80 के बाद भी यह सिलसिला चला, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे फिल्मों ने सामाजिक एंगल लेना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें भी देश की एकता पर काफी फोकस रहा। कर चले हम फिदा जानो तन साथिया। 60 के दशक में जिन फिल्मों को बहुत सफलता मिली उनमें हकीकत, लीडर, उपकार, शहीद और आंखें जैसी फिल्में रहीं। फिर आया साल 1970। इस साल मनोज कुमार की फिल्म आई पूरब और पश्चिम। उपकार के बाद मनोज कुमार की बतौर भारत कुमार ये दूसरी फिल्म थी। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इसी साल एक और फिल्म आई प्रेम पुजारी। देवानंद के अभिनय से सजी इस फिल्म के गीत ताकत वतन की हमसे है नहीं पूरे देश में देशभक्ति का एक नया राग छेड़ा। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम, चौके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारी सीने फट जाते चट्टान के। 70 के दशक में ऐसी कई फिल्में आईं। 1973 में आई 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी हिंदुस्तान की कसम हो, या 1972 की फिल्म ललकार। उनके गीत और डायलॉग लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो। 1980 के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। देशभक्ति परक फिल्मों में
जिन्हें ज्यादा सफलता मिली उनमें 1981 में आई फिल्म क्रांति अहम रही। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। सन 1986 में प्रदर्शित सुभाष घई की फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार का बेजोड़ अंदाज सबको भा गया। नब्बे का दशक आते आते फिल्मों का कथानक सामाजिक ताने बाने पर ज्यादा केंद्रित रहने लगा, लेकिन तिरंगा और रोजा जैसी फिल्मों ने समाज में देशभक्ति का जज्बा बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई तो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी लोगों का ध्यान खींचा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, विश्वास तिरंगा है। इसी बीच 1994 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी ने भी ब्रिटिश भारत के दौरान एक प्रेम कहानी को पर्दे पर साकार किया। 1995 में आई फिल्म बॉम्बे में भी सांप्रदायिक तनाव पर जबरदस्त चोट की गई। आतंकवाद पर आई गुलजार साहब की फिल्म माचिस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। 1995-96 के बाद फिल्मों में देशभक्ति वापस लौटी। ये वो दौर था जब पहले से ज्यादा कमर्शियल फिल्में बनने लगी थीं। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। लेकिन 1997 में आई फिल्म बॉर्डर और 99 में आई सरफरोश जैसी फिल्मों ने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा किया। साल 1997 में फिल्म परदेश का गीत आई लव माई इंडिया लोगों की जुबान पर आज भी है। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। इसी साल की फिल्म 10 में शंकर महादेवन का गाया सुनो गौर से दुनिया वालों गीत ने भी खूब धूम मचाई। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो। कुल मिलाकर 1970 से 2000 का दौर देशभक्ति फिल्मों के लिए मिला जुला दौर रहा। शुरुआत में कई देशभक्ति फिल्मों को लोगों ने पसंद किया, लेकिन बाद में देश के भीतर मौजूद दूसरी चुनौतियों पर भी फिल्म बनाने के लिए फिल्मकारों को मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे मातरम।
1962, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बाद देशभक्ति परक फिल्में बनाने का कोई मौका फिल्मकारों ने नहीं गंवाया। लेकिन 2000 के बाद इन सालों में हिंदी फिल्मों में देशभक्ति नए कलेवर में दिखाई दी। कभी खेल, कभी जासूसी, कभी पराए देश की पीड़ा, तो कभी सीमा पार से रिश्तों पर बनी फिल्मों में देशभक्ति का नया पुट देखने को मिला। आइए देखते हैं फिल्मों में साल 2000 के बाद देशभक्ति का काल। साल 2000 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मिशन कश्मीर आई। फिल्म कश्मीर समस्या और एक बच्चे के आतंकी बनने की ट्रेजेडी को बखूबी पर्दे पर उतार गई। साल 2001 में आई फिल्म लगान ने भी देश में अंग्रेजी हुकूमत के समय लगान प्रथा को दिखाने की कोशिश की। फिल्म को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। बार बार यार अपनी जीत हो की हार बार बार बोलो यार। कारगिल युद्ध पर बनी जेपी दत्ता की फिल्म एलओसी कारगिल को भी खूब पसंद किया गया। फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जाओ जो लौट के तुम घर हो। इसके बाद सीमा पार प्रेम कहानी पर बनी यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा और एक एनआरआई युवक के देश प्रेम पर बनी आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश ने भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। 2005 में केतन मेहता ने 1857 के क्रांतिकारी मंगल पांडे पर फिल्म बनाई तो देशभक्ति का नया रंग सामने आया। आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए, अपनी आंखों में है आज भी वो, अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ दर को, कौन सपनों को फांसी लगाए। साल 2006 में आई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई और रंग दे बसंती ने युवाओं को खास तौर पर प्रभावित किया। साल 2007 में नमस्ते लंदन और शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया खेलों के जरिए देशभक्ति की भावना को उकेरने की कोशिश की गई। फिल्मों के जरिए देश प्रेम जगाने की कोशिश का सबसे ताजा उदाहरण है आरएसटीवी की फिल्म राकेश। लाल किला ट्रायल पर बनी इस ऐतिहासिक फिल्म के गीत दर्शकों के दिलों में आजादी के मतवालों के लिए एक खास मकाम बनाने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा।